भाई कितना किल चिकन मारे गाइस, कितना किल चिकन मारे अपन? 16 किल हाईएस्ट, 16 किल चिकन, लेट्स गो 94 सीधा हैशटैग 1। अब तो हैदराबाद जा रहे हैं। आ गया दिल चुराने में आ गया। क्या हो गया भाई इनको, इसकी चैट में क्या हो गया ये? भाई आप जिधर हम उधर, ये बात करी ना भाई तुमने? शाबाश। अरे बाकी हेटर्स है, हेटर्स है, हेटर्स तो गाना नहीं बाकी दे देगा, फिर उसके हाईलाइट बना दोगे, हाईलाइट बनाओगे, डालोगे नियो कितना टॉक्सिक है, गेमिंग कम्युनिटी कितनी टॉक्सिक है, ये सब एक दूसरे। भाई पहले बोल रहा अपना टीम अच्छा खेल रहा है, उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूं, ना मैं कोई टीम के बारे में बोल रहा हूं, ना कोई टीम को गलत बोल रहा हूं, ना कोई टीम को नीचा दिखा रहा हूं, पहली बात मैं ये क्लियर कर देता हूं, अगर हाईलाइट डालोगे तो ये भी डालना, ठीक है? मैं चाहता हूं वो अच्छा खेले, अब वो उन पे सब अच्छा खेले भाई, सब अच्छा खेले, कोई टीम खराब खेले, कोई नहीं चाहता कोई टीम खराब खेले, अब वो अच्छा खेले ये सब चाहते हैं, लेकिन हमारी टीम सबसे अच्छा खेले, हम ये सबसे पहले चाहते हैं, ये हम सबसे पहले चाहते हैं ऑब्वियसली, जो और में हमको नहीं चाहिए ना कि भाई हम फाइनल्स क्वालिफाई ना करें, ऑब्वियसली खुश रहेंगे ना, जाना है भाई, क्योंकि मैं अभी इतने टाइम से दुखी था, मैं खुश हूँ, आप कोई और चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गए, मेरे को इधर आके भर रहे हो, तो ये तो गलत बात है, और तुम लोग मेरे को प्रोवोक कर रहे हो कि मैं कुछ बोल दूंगा, बट मैं नहीं बोलूंगा भाई, कल जब वो चिकन मारे थे तब तो कोई मेरे को आके बोला नहीं थैंक यू नहीं हो, सपोर्ट करता था, पर अभी बराबर सब गाली दे रहे हैं, अलग है ये तो तुम लोग, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, वही तो जब चिकन मारी तब एक टैग नहीं आया मेरे को कि चिकन मारे थैंक यू फॉर सपोर्टिंग इन द बैड टाइम ऐसा, अब अलग कुछ होते ही मेरे को भर रहे हैं। बट अमेजिंग, इस खिलाड़ी की अगर बात की जाए जोनाथन, काफी लोग बोलते हैं एमवीपी, एंड आज अगर गॉडलाइक को आगे जाना है, अपनी चांसेस बढ़ाने हैं, इस खिलाड़ी को वैसा खेलना भी पड़ेगा, ठीक है? मुझे लगता है कि जेली को उस तरीके से खिलाना पड़ेगा। वो खिलाड़ी खेलने को तैयार है ये मैं मान चुका हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में थोड़ी बहुत झलकियां दिखाई दी, जहां पर जोनाथन अपने पुराने अवतार में खेलते हुए दिखाई दिए, जहां पर वो अपनी टीम से बहुत ज्यादा आगे जाते थे, बाकी जो खिलाड़ी हुआ करते थे वो उनको कवर फायर देते थे, और बहुत सारे फिनिशेज जो हमें जोनाथन के खाते में जाता हुआ दिखता था, और साथ ही साथ टीम वो तो पूरा डोमिनेशन मोड पर जाती थी। देखिए, अगर मोगो और गॉडलाइक को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो मोगो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सेफ अप्रोच रहती है, आपने माइंडसेट तो बता दिया दोनों का, बट अप्रोच बहुत डिफरेंट है, गॉडलाइक की अप्रोच बहुत रिस्की है, वो डायरेक्ट पुश कर देते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर बिना इन्फॉर्मेशन के, वो सुधारना पड़ेगा, टीम वर्क थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत है आज के दिन के लिए।